हेलो गाइज, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि एमएच डिवीजन पॉइंट्समैन वाले का ट्रेनिंग चल रहा है, जिसमें टॉप 50 लड़के का जो ट्रेनिंग 17 अप्रैल से शुरू हुआ था वह 16 मई को कंप्लीट होने वाला है, और बाद में फिर 28 अप्रैल को 20 लड़के का रिपोर्ट करने का डेट आया, जिसमें उन 20ों का ट्रेनिंग जो है 2 मई से शुरू हो गया है। तो वो लोग का ट्रेनिंग चलेगा अभी 1 मंथ, और जो पहले 50 लड़के हैं उसका ट्रेनिंग 16 मई को ख़त्म होने वाला है। और कुछ पता चल रहा है, रोजगार मेला 16 मई को ही आयोजन किया जा रहा है, चौथा रोजगार मेला है जो 16 मई को आयोजन किया जा रहा है। तो एक तो रोजगार मेला 16 मई से है, और दूसरा कंडीशन कि 16 मई को फर्स्ट टॉप 50 वाले लड़के का जो ट्रेनिंग चल रहा था वो भी कंप्लीट होने वाला है। तो 2 मई से जो 20 लड़के का ट्रेनिंग है वो अभी चल रहा है। तो अब जो है, हो सकता है कि 16 मई के पहले, मतलब 10 मई से लेकर के 16 मई तक के बीच में 50 लड़के का या तो 100 लड़के का ऐसा कुछ लिस्ट जारी किया जाएगा जो नेक्स्ट बैच के लिए, क्योंकि वो 16 मई को कंप्लीट हो जाएगा और 16 मई को ही रोजगार मिला है। तो अब हम लोग का जो नेक्स्ट अपडेट है या नेक्स्ट बैच बनने वाला है वह 10 मई से लेकर के 16 मई, या कभी भी आ सकता है। ऐसा नहीं कि 10 मई से ही, कल भी आ सकता है या परसों, कभी भी आ सकता है। मतलब आज से लेकर के कभी भी 16 मई तक में किसी दिन भी हम लोग का नेक्स्ट बैच का अपडेट आएगा। और ऐसा लग रहा है कि पिछले बार जो 50 लड़के का ट्रेनिंग कंप्लीट होगा, तो अब की बार में हो सकता है 50 लड़के को ही नेक्स्ट बैच के लिए बुलाया जाए। और जो हम लोग का ट्रेनिंग चल रहा है, इस ट्रेनिंग सेंटर की लगती है कैपेसिटी बहुत ही कम है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि इतना जो कम बच्चे को बुलाने का मकसद यही लग रहा है कि बहुत ही मतलब कैपेसिटी कम हो, या ये भी हो सकता है कि ट्रेनर जो ट्रेनिंग कराते हैं सर जो है वो बहुत ही कम हो। और पता होना चाहिए जो इस बार 20 लड़के का जो ट्रेनिंग करा रहा है वो गया जिले के ट्रेनर हैं, ऐसा हमको वहाँ से जो 20 लड़के गए उनसे कुछ लड़कों में बात हुई तो हमको ये पता चला कि वो जो ट्रेनर है वो गया जिले का है और वही ट्रेनिंग करा रहे हैं। ट्रेनिंग में कोई दिक्कत नहीं, और जो पहले बैच का जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट 16 मई को होगा, तो 14 को वो लोग का रिटर्न एग्जाम या टेस्ट होगा, और 15 को भाईवा होगा, मौखिक जिसको बोलते हैं ओरल टेस्ट होगा, और उसके बाद फिर उसको ट्रेनिंग कंप्लीट के बाद स्टेशन अलाउट करेगा, और स्टेशन अलाउट करके पास उसका ज्वाइनिंग होगा, ऐसा बताया जा रहा है। ऐसा जो टॉप 50 है उनसे बात करने के बाद ऐसा इन्फॉर्मेशन पता चला है। अब बात हो रही है कि ये 50 लड़के 20 लड़के इस तरह से ज्वाइन मतलब ट्रेनिंग कराया जाएगा तो बहुत लंबे समय लग जाएंगे। 579 स्टूडेंट है, बहुत बड़ी बात है, और हम लोग चाह रहे हैं कि ऐसा ना हो। और इससे एक हम लोग ऐसा भी करेंगे, एक आंदोलन टाइप का वीडियो बनाएंगे, जो उस वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वायरल किया जाए, और उस वायरल करने पर वो चेन्नई डिवीजन के जो ऑफिसर है वो भी, उनको भी पता चले कि बच्चे परेशान हो रहे हैं, या डिवीजन जो है डीआरएम ऑफिस में जो वर्क कर रहे हैं, जो ऑफिसर वर्क कर रहे हैं उनको भी पता चले, वहां तक हम लोग का वीडियो वायरल हो, और जो हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो हमारे अब हम जो पहले ट्रेनिंग कर रहे हैं वो हम लोग की तरह से सीनियर हो गए, जो हम लोग से पहले ट्रेनिंग कर रहे हैं क्योंकि वो पहले ज्वाइन कराएंगे तो हम लोग से सीनियर है, तो उन लोगों का भी मदद मिले कि जो बच्चे अभी बहुत ही कम बच्चे को बुलाया जा रहा है जिससे बहुत प्रॉब्लम है, तो उनके माध्यम से भी यदि हम लोग को सपोर्ट मिलेगा उनके माध्यम से, तो जो लड़के बहुत बहुत मतलब जो दसवें पेज में है, जिनका नाम दसवें पेज में, वो बहुत फोन करके बार बार परेशान करते हैं कि मेरा कब होगा, तो जैसे 50 लड़के 20 लड़के से होने से बहुत लंबे टाइम लग जाएंगे। तो इससे लिए सीनियर जो हम लोग हैं जो पहले ट्रेनिंग करने गए हैं उनके द्वारा यदि ऐसा मदद मिल सके कि वो डीआरएम ऑफिस में कंप्लेन करें कि जो बच्चे हैं जिनको बहुत टाइम लग रहा है, एक एप्लीकेशन के माध्यम से ऐसा किया जाए, यदि सीनियर हम लोग का सपोर्ट करे कि जो बच्चे को बहुत टाइम लग रहा है ज्वाइनिंग करने में, ट्रेनिंग आने में या ज्वाइनिंग करने में, तो उनका मदद किया जाए, या डिवीजन में एक एप्लीकेशन लिख करके दिया जाए, तो उनके थ्रू जो है जल्दी से प्रोसेस किया जा सकता है। या हो सकती है ये भी समस्या हो सकता है कि मतलब वहाँ की जो कैपेसिटी है ट्रेनिंग सेंटर का, या ट्रेनर बहुत कम है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम है, तो सीनियर भी हम लोग को थोड़ा हेल्प कर सकता है जो कि जल्दी से ज्वाइन कर सके, और नहीं तो एक ऐसा वीडियो बनाएंगे जिस वीडियो को अधिक से अधिक वायरल किया जाए, और उस वायरल करने से और सभी के मदद सबका सपोर्ट करने से, यदि वायरल करने पर हो सकता है वो डीआरएम ऑफिस तक वीडियो पहुंचे तो हो सकता है कुछ उसका कंक्लूजन और उसका सॉल्यूशन निकल सकता है।
नहीं तो फिर वो 50 और 20 प्रक्रिया चलते रहेगा और इस तरह से में बहुत समय लग जाएगी, 2023 खत्म हो जाएगी ज्वाइनिंग करते करते, बहुत लंबे समय लग जाएंगे 50 और 20 लड़के का ज्वाइनिंग कराने में। तो अब जो है, अब जो नेक्स्ट अपडेट है 16 से, मतलब आज से लेकर के 16 मई तक में कभी भी आ सकता है इसीलिए। और इसके लिए बच्चे डॉक्यूमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत परेशान है। डॉक्यूमेंट क्या, देखिए आप लोग क्या करिए ना, जो पहले ग्रुप में फॉर्मेट शेयर किया गया था, जो टॉप 50 वाले या टॉप 20 वाले को जो फॉर्मेट दिया गया है, उसी फॉर्मेट में सिर्फ आइडेंटिटी सर्टिफिकेट को छोड़ करके टोटल फॉर्मेट में भर ले फॉर्म, जितना जो भी डिटेल्स है अपना फैमिली डिटेल्स जितना है सभी डिटेल्स को भर लीजिए। उसको भरने के बाद बस एक आइडेंटिटी सर्टिफिकेट में सीओ एसडीओ डीएम चिकित्सा पदाधिकारी किसी का भी ना साइन कराना है। तो जैसे मान लीजिए आ जाया, तो क्योंकि जब भी आ रहा है ना तो 3 दिन के बाद रिपोर्ट करना पड़ रहा है, तो हमको ज्यादा डॉक्यूमेंट्स बनाना ही ना है। पहले से आप क्या करिए, फोटो एकदम रेडी रखिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए, टीसी सीएलसी जितना है सब चीज रेडी रखिए। ओबीसी और एससी एसटी वाले का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यदि आपका ओरिजिनल जमा है तो फोटोकॉपी लगाइए, फोटोकॉपी जमा है तो ओरिजिनल लगाए तो कोई दिक्कत नहीं इसको लेकर के। तो मेन जो साइन कराने की बात है ना, हम लोग को लास्ट एजुकेशन जहां हुआ है वहां से भी साइन विन नहीं कराना है, कोई कैरेक्टर हम लोग को नहीं दिया गया था, हम लोग को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बहुत इजीली से कर सकता है। और क्या करना है, तो हम लोग में क्या है ना, डॉक्यूमेंट रिलेटेड में सिर्फ आइडेंटिटी सर्टिफिकेट जो है बस उसमें साइन कराना है। तो जैसे आएगा बस अगले दिन आइडेंटिटी सर्टिफिकेट में किसी भी सीओ एसडीओ किसी से रजिस्टर्ड ऑफिसर साइन कराइए और लेके चले जाइए। तो पहले से क्या है ना, जो मतलब वो फॉर्म का पीडीएफ पहले शेयर किया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी है, जिनको प्रॉब्लम है वो व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करें, कोई लड़का भेज देंगे या हम ही भेज देंगे, तो वो उसको प्रिंट करवा के निकलवा लीजिए और उसमें पूरे फॉर्मेट में बढ़िया से अच्छे से पूरे डिटेल्स भर लीजिए, बस आइडेंटिटी सर्टिफिकेट में छोड़ दीजिए, उसमें साइन कराइएगा, बस सब काम हो जाएगा, कोई डॉक्यूमेंट्स का प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। तो ये डॉक्यूमेंट रिलेटेड था प्रॉब्लम, और जो है डॉक्यूमेंट रिलेटेड तो सबको क्लियर हो गया। और जिसको भी प्रॉब्लम है आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप एमएस डिवीजन पॉइंट्समैन रिलेटेड जो व्हाट्सएप ग्रुप है उनसे जुड़े रहिए, और नहीं होता है तो मेरा ये इस प्लेलिस्ट में एक वीडियो है जिसमें मेरा मोबाइल नंबर है, उस मोबाइल नंबर पे हमको फोन करिए, हमसे संपर्क करिए और आपको हम एक ग्रुप में भी जोड़ देंगे और आपको बहुत सारा हेल्प भी मिलेगा। और जिससे आपको, और अभी कुछ एक इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे शेयर हो रहा था कि जो पिछले टॉप 20 लड़के को जो नोटिस आया था एमएच डिवीजन पॉइंट्समैन वाले में, उसमें एक लड़का जो है ना उसको पता ही नहीं चल पाया। और एक वीडियो हम बार बार इसलिए वीडियो बना रहे हैं कि कोई लड़का छूटे ना, ऐसा ना हो सके किसी को छूट जाए। एक लड़का था जो कि ज्वाइन नहीं कर पाया, मतलब वो उसको पता ही नहीं चल पाया, उसका टाइम खत्म हो गया, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, वो फिर से जाकर के रिपोर्ट करके ज्वाइन कर सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट करें, और आगे के लिए आगे अपडेट नेक्स्ट वीडियो में देंगे। थैंक यू, बाय।